अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके जी नर्सरी क्लास, कल हमने इंग्लिश का वर्क किया था नोटबुक पे, आज हम उर्दू का करेंगे। ओके चलें, सबसे पहले मुझे बताएं ये कौन सा दिन है। बुध, बुध कॉमा 15 अप्रैल 2020, फुल स्टॉप। ओके नेक्स्ट हम लास्ट पे कॉर्नर पे लिखेंगे जमात का काम, और नीचे लाइन पे लिखेंगे उनवान अलीफ ता शीन। अलीफ की क्या आवाज़ होती है? आ, और शीन की क्या आवाज़ होती है? श। ओके अब मेरे साथ सब मिलकर मुझे सबसे पहले बताएं कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं। हाँ जी, इन दो नुक्तों पर, ये पहले ऊपर वाले नुक्तों पर पेंसिल रखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे अलीफ, नीचे वाले नुक्ते से मिलाया तो ये क्या बन गया? अलीफ। अलीफ के बाद क्या आता है? अलीफ मद्दा। अलीफ, अलीफ लिखने के बाद इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? मद्दा। मद्दा, अब देखिए आप मद्दा कैसे लगाएंगे, पहले छोटी सी लाइन, फिर लाइन को आगे को लेकर के और इधर से नीचे। देखिए नर्सरी क्लास, मेरा मद जो है वो अलीफ के साथ नहीं मिला, आपका भी इतने ही फासले पर होना चाहिए। ओके ये राइट है, अगर आप ऐसे अलीफ लिखने के बाद ऐसे करोगे तो ये रॉन्ग है, या इसके साथ मिलेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके अलीफ, अलीफ मद्दा, अलीफ मद्दा के बाद क्या आता है? एक लाइन की स्पेस हम छोड़ेंगे, फिर हम उसके बाद लिखेंगे बे। इस नुक्ते पर ओके नीचे लाइन पे लिखेंगे बे, अलीफ मद्दा के बाद क्या आता है? बे। डॉट पे इस नुक्ते पर पेंसिल रखने के रख कर थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और इस डॉट से मिलाते हुए आगे को लेकर जाएंगे इस वाले नुक्ते के साथ। अच्छा मुझे बताएं बे के कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता। हाँ जी, तो बे की आवाज़ क्या होती है? ब। बे के बाद क्या आता है? पे। नुक्ते पर पेंसिल रख ली थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और लाइन के साथ टच करके इस नुक्ते से मिलाकर ऊपर। इसके नीचे, पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? तीन। चलें लगवाएं, एक दो तीन। पे के बाद क्या आता है? ते। नुक्ते पे पेंसिल रखकर पहले वाले पे थोड़ा सा ऊपर को लेकर गए, और फिर लाइन के साथ टच करके दूसरे नुक्ते से मिलाया। तो ते के नुक्ते कितने होते हैं? दो। ऊपर या नीचे? ऊपर लगते हैं, वेरी गुड, एक दो। तो ये क्या बन गया? ते। ते के बाद क्या आता है? टे। डॉट पेंसिल रख के ऊपर की तरफ, फिर लाइन के साथ टच किया और इस डॉट से मिला दिया। अच्छा मुझे ये बताएं इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम? छोटी सी तोएं। अब तोएं, छोटी सी लाइन लगाई, फिर आगे की तरफ टेढ़ी लाइन, फिर ओवरलैपिंग करते हुए इसकी बैली बना दी, तो ये क्या बन गई? तोएं। तो जिसके ऊपर तोएं हो तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम? टे। टे के बाद क्या आता है? से। नुक्ते पर पेंसिल रख के ऊपर की तरफ, फिर लाइन के साथ लाइन, और इस नुक्ते से मिलाकर ऊपर। इसके ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? तीन, एक दो तीन। नर्सरी क्लास, मेरे नुक्ते लाइन के साथ, इस बे के साथ टच नहीं हो रहे, ना पे के, मेरे बिल्कुल फासले पर, आपके भी ऐसे ही हों।